सकता हूँ। मुझे ऑन ग्राउंड एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तुम्हें खुद जाके ढूंढनी होगी। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक नहीं। कभी एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दे सकता है। What is his name? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, साल 2013 में रिलीज हुई थी अरशद वारसी की जॉली एलएलबी और फिर 2017 में रिलीज हुई जॉली एलएलबी 2। इन दोनों ही फिल्मों को न सिर्फ बॉक्स ऑफिस ने बल्कि दर्शकों ने भी बहुत पसंद किया। यहां तक कि जॉली एलएलबी की रिलीज के 3 साल बाद 2016 में साउथ में तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म का रीमेक किया गया। नाम रखा गया था मनीतन। हालांकि साउथ की फिल्म बुरी तरह पिट गई। अब बॉलीवुड में लगातार पिट रही फिल्मों के बीच अब खबर है कि इस मजेदार कोर्ट रूम डार्क कॉमेडी के तीसरे पार्ट को लेकर बनाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 में बैक टू बैक 3 फ्लॉप दे चुके अक्षय कुमार एक बार फिर जॉली एलएलबी 3 में वकील जगदीश्वर मिश्रा के किरदार में नजर आएंगे, जबकि इस बार मजा दोगुना होने वाला है क्योंकि अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी भी इस फिल्म में नजर आएंगे, जगदीश त्यागी के रोल में नजर आएंगे। यानी एक ही फिल्म में इस बार दो जॉली होंगे और इन दो जॉली के बीच में जज होंगे सौरभ शुक्ला। अब बाकी की फिल्मों में हमने देखा है कि क्या हाल हुआ था सौरभ शुक्ला का, अब इस फिल्म में तो दो जॉली होंगे, तो अब क्या होगा, कितने बम फूटेंगे सौरभ शुक्ला के सर पे और कितनी कॉमेडी होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। जॉली एलएलबी 3 के प्लॉट पर काम पूरा कर लिया गया है और एक बार फिर कोर्ट रूम ड्रामा में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाने वाले हैं। इस खबर से तो फैंस काफी एक्साइटेड है। वही ये भी उम्मीद है कि 2023 में रिलीज हो रही ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर पर लगे फ्लॉप फिल्मों के दाग को धो देगी। खैर, मौके और दस्तूर को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ पुरानी यादों को ताजा किया जाए, क्यों ना इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, मतलब जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातें की जाए जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो या पढ़ी हो। साल 2013 में आई जॉली एलएलबी में संजय मिश्रा भी थे, उन्होंने फिल्म में गुरुजी का किरदार निभाया था। मजेदार जानकारी ये कि इस रोल के लिए संजय मिश्रा ने फीस नहीं ली थी। जी हां, उनका रोल छोटा सा था और सिर्फ एक दिन की शूटिंग थी। ऐसे में डायरेक्टर सुभाष कपूर संग अपनी दोस्ती को देखते हुए संजय मिश्रा ने इस फिल्म के लिए अपनी कोई फीस नहीं ली। नंबर 2, आनंद और कोरा कागज जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके एक्टर रमेश देव ने जॉली एलएलबी में कॉल साहब का किरदार निभाया था। इस फिल्म से उन्होंने 15 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की थी। रमेश देव अब हमारे बीच नहीं है। इस साल 2 फरवरी 2022 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। रमेश देव की आखिरी फिल्म थी सनी देओल के साथ घायल वंस अगेन। दोस्तों, जॉली एलएलबी की कहानी एक हिट एंड रन केस पर थी। फिल्म की कहानी में जिस लैंड क्रूजर कार से इस वारदात को अंजाम दिया गया था उसका ड्राइवर राहुल दीवान नाम का किरदार था। इस रोल में राजीव सिद्धार्थ थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में इस किरदार को एक लाइन का भी डायलॉग नहीं दिया गया। यानी जो आरोपी है, जिसे सजा होनी है, जिसने वारदात को अंजाम दिया, उसने कोर्ट में एक लाइन भी नहीं कही। इसके बाद अब आते हैं 2017 में रिलीज हुई जॉली एलएलबी 2 पर। वेल, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अक्षय कुमार ने ये फिल्म रिकॉर्ड 30 दिनों में पूरी कर ली थी। यही नहीं बल्कि पूरी जॉली एलएलबी 2 फिल्म में यदि आपने गौर किया हो तो अक्षय कुमार ने सिर्फ एक ही जूता पहन रखा है। यही नहीं बल्कि जॉली एलएलबी 2 में कुछ ही सेकंड के लिए ही सही बड़े पर्दे पर आमिर खान भी थे। असल में ये मजेदार किस्सा है। फिल्म में एक सीन है जहां अक्षय कुमार का किरदार जगदीश्वर वकीलों के चैंबर की लिस्ट देख रहा है और इस लिस्ट में एक जगह आमिर खान का भी नाम लिखा हुआ है। अगली बार आप जब ये फिल्म देखेंगे तो गौर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जॉली एलएलबी 2 के टाइटल पर रिलीज से पहले विवाद भी हुआ था। फिल्म के टाइटल में एलएलबी शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ एडवोकेट अजय कुमार वाघमारे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा गया कि इस तरह का टाइटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करने के लिए रखा गया है। हाईकोर्ट ने एक टीम बनाई और फिल्म की समीक्षा की और उसके बाद इस फिल्म को रिलीज करने के लिए परमिशन दी गई। वेल, दोस्तों, आप लोगों ने फिल्म तो देखी ही होगी और वो बिल्डिंग भी देखी होगी। जॉली एलएलबी 2 में जिस इमारत को कोर्ट रूम बनाया गया है वही इमारत है जो जब वी मेड में करीना कपूर का वुमेन हॉस्टल था। वही हॉस्टल जहां से करीना को लाने के लिए शाहिद कपूर पहुंचे। अगले फैक्ट्स की बात करें तो अक्षय कुमार की फिल्म पर बाटा कंपनी ने भी आपत्ति जताई थी। फिल्म में एक डायलॉग था जहां वकील के किरदार में अनु कपूर इस जूते के ब्रांड का जिक्र करते हैं, हालांकि बाद में वो सीन काट दिया गया। अब बात कर लेते हैं कलेक्शन की, तो 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जबकि 2017 में आई जॉली एलएलबी 2 ने 112 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया।
अब अक्षय कुमार की फिल्म ने वीकेंड में ही 47 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन कर लिया था, मतलब फर्स्ट पार्ट के लाइफ टाइम कलेक्शन से कहीं ज्यादा। वेल दोस्तों, तो ये थे कुछ फन एंड फैक्ट्स जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 के। अब हमें इंतजार है इसके थर्ड इंस्टॉलमेंट का। देखना होगा कि ये जोड़ी कितनी कमाल कर पाती है बॉक्स ऑफिस पर। क्या फेस ऑफ होगा या अलग अलग केस होंगे दोनों के पास, ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। वेल, आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।